की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बीजेपी कार्यालय गुना के कई कार्यकर्ता पहुंच गए। सांसद केपी यादव के खिलाफ ये कार्यकर्ता शिकायत करने पहुंचे। सांसद पर गुंडागर्दी और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सांसद बीजेपी सांसद केपी यादव के खिलाफ कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। पीएम हाउस के सामने धरना देने की चेतावनी भी दी है। सांसद केपी यादव के खिलाफ शिकायत करने ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सांसद कृष्णपाल सिंह यादव ये वही सांसद है जिन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को 2,25,000 वोटों से हराया था और आज उनके खिलाफ शिकायत करने बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के प्रदेश दफ्तर पहुंच गए हैं। मेरी भांजी की शादी थी, मेरी सगी भांजी की शादी में मुझे उसके गुंडे गोपाल पडवा जो पूर्व में सांसद प्रतिनिधि रहा मेरे गांव, उसके गांव में वो जमीन स्तर पर बहुत जोर से जुआ सट्टा चलवाता है। उन गुंडों ने 5 लोगों ने मेरे साथ पर फर्सी से हमला किया, लटों से हमला किया मेरे शरीर पर, मेरे हाथ पैर तोड़ दे, लेकिन अभी तक उनके उनका FIR में नाम तक नहीं आया क्योंकि वहाँ पर बाहुलता है उनकी। प्रधानमंत्री जी के पास उनके कार्यालय पर बैठूंगा और मैं ही रुकूंगा। और राजधानी भोपाल चलेंगे, सदफ हामिद से बात करेंगे। सदफ, इन कार्यकर्ताओं के बीजेपी दफ्तर आने के बाद में क्या एक बार फिर शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा नजर आएगी अलग अलग? बिल्कुल शुभम, आपने सही कहा। गुना के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गुना के सांसद केपी यादव की शिकायत लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और उनका कहना था कि जो सांसद हैं केपी यादव उनके द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, जमीन हड़प ली गई और कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला भी करवाया गया। और जो शिकायत लेकर पहुंचे थे वो भी बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो सांसद हैं केपी यादव उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो वो दिल्ली भी जाएंगे और जो आला कमान है उनसे भी वहाँ शिकायत की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि पीएम आवास के बाहर बैठकर वो धरना देंगे क्योंकि लंबे समय से केपी यादव के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, जमीन हड़प ली गई और जब उनकी भांजी की शादी थी तो शादी में ही कुछ गुंडों को भेजकर उन पर हमला करवाया गया जिससे उनको कई गंभीर चोटें भी आई हैं। यही शिकायत लेकर वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे पदाधिकारियों से मुलाकात करने। फिलहाल अभी किसी तरह की किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर सांसद केपी यादव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आगे भी इस धरने को सदफ इस घटना को, पूरे घटनाक्रम को क्या केपी यादव द्वारा लिखे गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे गए पत्र से जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शुभम, कहा जा सकता है क्योंकि पिछले ही दिनों सियासत भी देखने को मिली थी। हालांकि सिंधिया ने कुछ दिनों पहले इस तरह का बयान भी दिया था कि केपी यादव हमारे ही हैं क्योंकि इससे पहले लगातार ये जो बयानबाजी थी वो यहाँ पर देखी जा रही थी कि दोनों के बीच किसी तरह की कोई तकरार है। जेपी नड्डा को भी यहाँ पर पत्र लिखा गया है, लेकिन फिलहाल जो गुना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो बीजेपी किसान मोर्चा के ही उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि फिलहाल इस बात को साफ नहीं किया है कि क्या इसके पीछे की वजह है, उनको इस तरह से क्यों परेशान किया जा रहा है या उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि लंबे समय से जो गुना के सांसद हैं केपी यादव वो उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते आ रहे हैं। उनकी कई लाखों की जो जमीन है वो भी हड़प ली गई है और इसके साथ ही उन्हें अब वहां पर रहने भी नहीं दिया जा रहा। इस बात से प्रताड़ित होकर परेशान होकर जो प्रेम नारायण शिकायतकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल अच्छा होगा कि वो आगे किससे मुलाकात करते हैं और बीजेपी की तरफ क्या के लिए। तो इस तरह से अब बीजेपी के ये कार्यकर्ता पहुंच गए हैं केपी यादव के विरोध करने के लिए, दफ्तर पहुंचे और यहां पर शिकायत करने की बात ये लोग करते नजर आ रहे हैं।